सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और इस टाइम में अगर आप घर बैठे पैसे अर्न करें तो कितनी अच्छी बात होगी। हम बात करने वाले ड्रीम इलेवन पे, जो कि आज का मैच होने वाला है बैंगलोर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। इन दोनों में टीम कैसे बनाएंगे और कैसे प्लेयर को अच्छा सेलेक्ट करेंगे और कौन सा प्लेयर रैंक अच्छा देने वाला हमें, तो ये सारी कुछ बातें करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो हमारा ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों अब यहाँ पे हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आज का प्रोसेस है जो कि अच्छे तरीके से हम जानेंगे सारा कुछ। और अगर आप ड्रीम इलेवन से पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो मैं लाइव प्रूफ मैंने बताया वीडियोज में कि कैसे सारा कुछ प्रोसेस करेंगे, तो वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सनराइजर हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर, ओके। और यहाँ पे 9:28 जो कि हमारे पास अभी है फिलहाल, और अगर आप 30 मिनट पहले यानी कि जो कि टीम क्रिएट करते तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पे हमें पता चल जाता है कि आज के टीम में कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम टीम क्रिएट करते हैं, तो देख सकते हैं एबी डिविलियर्स, जॉनी बेस्टो और वृद्धिमान शाह। तो यहाँ पे ये दोनों कैप्टन विकेट कीपर्स हैं, तो इस प्रकार से दिखेंगे। और यहाँ पे एबी डिविलियर्स को 80% लोगों ने लिया है और 78% जॉनी बेस्टो और 28% वृद्धिमान शाह। और यहाँ पे हम बता देते हैं भाई, वृद्धिमान शाह भी जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी बढ़िया खेल जाते हैं। पता है आपको पिछले आईपीएल में कितना हार्ड इन्होंने जो कि परफॉर्मेंस दिया था, कि काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए थे। तो सिंपल यहाँ पे 8.5 पॉइंट का जो कि ये प्लेयर है, तो हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज की टीम में ज़्यादा आपको बैट्समैन देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर भी आपको कुछ खास नहीं दिखेंगे इस प्रकार से, तो इसलिए आपको तो लेना ही पड़ेगा इन्हें, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, हम जो कि यहाँ पे बेस्टो को तो जरूर लेंगे और हो सकता है हमें इसे कैप्टन भी बनाएं, क्योंकि जॉनी बेस्टो ऐसा प्लेयर है कि जैसे कि मैंने बताया था केएल राहुल और संजू सैमसन, ये दोनों बहुत ही भरोसेमंद जो कि प्लेयर हैं। अगर आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते तो भाई आपको ये प्लेयर यानी कि जो प्लेयर हैं ये आपको पॉइंट दे के ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए पॉइंट दे के ही जाएंगे। कभी हो गया लक की बात होती है भाई, इतना बड़ा मैं भी अंतर्यामी नहीं हूँ, बट फिर भी कुछ लक की बात होती है, अगर नहीं चले तो कोई बात ही यार नहीं, फिर भी जो कि भाई ये पॉइंट आपको दे के जाएंगे। जॉनी बेस्टो भी उसी में जो कि आता है भाई, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया जॉनी बेस्टो को। और जो कि अब बात करते हैं एबी डिविलियर्स, तो एबी डिविलियर्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं जो कि पिछले मैच में, तो इनको भी हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। और वार्नर, तो वार्नर काफ़ी अच्छा नहीं खेले बट जो कि आज के मैच में चलने वाले भाई धुआंधार चलने वाले हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं। और आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है, अपने टीम पे ले करके। और मनीष पांडे को जैसे मैंने पिछले मैच में बताया था सनराइजर हैदराबाद की, मनीष पांडे को आप लोग जरूर लीजिए, तो उसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे 61 रन मारे थे मनीष पांडे ने, तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दो टीम बनाते हैं तो आपको क्या करना है, दो टीम अगर आप बनाते हैं तो एक में जो कि आप मनीष पांडे को लीजिए और एक में वार्नर को लीजिए, ठीक है, समझ रहे बात को। और यहाँ पे हम एक टीम बनाएंगे तो इस प्रकार से करेंगे, और दो टीम अगर बनाएंगे तो आप एक में वार्नर को, एक में मनीष पांडे को। और केन विलियमसन तो खेल नहीं है भाई आज, तो अगर खेलेंगे तो ले सकते हैं। और यहाँ पे अब्दुल समद, ठीक है, ये भी बंदा काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे बैटिंग बहुत जल्दी मिलती है अब्दुल समद को, पता होगा आपको, भले ही नहीं खेल पाता बट फिर भी यहाँ पे कम पॉइंट का प्लेयर है, तो इसे हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो कि फर्स्ट मतलब प्लेयर जो कि ओपनर उतरते हैं उनके बाद जो कि बैट्समैन आउट होता है, तो भाई यहाँ पे क्वीन विलियमसन भी नहीं है और यहाँ पे मनीष पांडे और जो कि बेस्टो और वृद्धिमान शाह के बाद इनके पास कोई प्लेयर है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मनीष पांडे के बाद, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे अब्दुल समद को, क्योंकि चांसेस बहुत ही ज़्यादा है खेलने के भाई, इनकी बैटिंग मिलने के। तो प्लेयर इस प्रकार से लिया करिए कि बैटिंग मिल जाए या बॉलिंग मिल जाए, ठीक है। और मैक्सवेल तो यानी कि ज़्यादा सही है, कुछ खास नहीं है, विकेट वगैरह देख सकते हैं, रन काफ़ी अच्छे मारे थे बट विकेट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया विकेट 0 है, यानी कि बॉलिंग तो उतनी अच्छी नहीं बट बैटिंग अगर मिल गई तो काफ़ी अच्छा होता, तो हम यहाँ पे लेंगे मैक्सवेल को, क्योंकि बैंगलोर टीम तो ऐसी है कि भाई बैटिंग तो मिल ही जाएगी, क्योंकि सारे प्लेयर मतलब सारे के प्लेयर जो कि सारे के सारे धड़ाधड़ यानी कि विकेट गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हम मैक्सवेल को ज़रूर लेंगे। और यहाँ पे जो कि एक नया प्लेयर जो कि आपको मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेनियल क्रिस्टियन, ठीक है, क्रिस्टियन भाई नाम भी इनका कुछ अलग ही होता है यार, नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया के भाई, यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, रन एक मारे थे, तो इस प्रकार से आप इनको ले सकते हैं, अदरवाइज जो कि मैं तो नहीं लेने वाला, ठीक है, बट यहाँ पे जेसन होल्डर अगर खेलते तो भाई जरूर लेते, तो थोड़ा सा वेट कर लें, आधा घंटे पहले आप चेक कर लीजिएगा, अगर जेसन होल्डर खेलते तो भाई काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप ले लीजिएगा। और मोहम्मद नबी को तो हम लेने वाले हैं, और वाशिंगटन सुंदर और विजय शंकर ये दोनों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ही इंडिया के हैं, तो आप सोच सकते हैं, और दोनों काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं मैच को, तो इस प्रकार से आप दोनों को ले सकते हैं ऑलराउंडर, बट यहाँ पे हम वाशिंगटन सुंदर को लेते हैं बैंगलोर से, क्योंकि यहाँ पे इनको बैटिंग भी मिल सकती है और बॉलिंग तो मिलने वाली, ठीक है, बॉलिंग नहीं मिलेगी तो बैटिंग मिल ही जाएगी, क्योंकि बैंगलोर से भाई बैंगलोर की टीम आप जानते हैं कितने जल्दी प्लेयर आउट होते हैं, और बॉलर
यहाँ पे राशिद खान को आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो कि सबसे अच्छा प्लेयर जो कि मुझे नजर आया हर्षल पटेल, जो कि आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका पिछले मैच में, 5 विकेट बंदे ने ली थी देख सकते हैं यहाँ पे, तो भाई इसको लेना जरूर, यानी कि भूलना ही नहीं। और यहाँ पे और बात कर लेते हैं राशिद खान के, जो कि हमारे पास पॉइंट है तो हम ले लेते हैं। और भुवनेश्वर कुमार और यजुवेंद्र चहल, तो यजुवेंद्र चहल तो कुछ तो आज खास करने वाले, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद में कुछ खास बैट्समैन है नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार से यजुवेंद्र चहल कुछ तो बड़ा कर सकते हैं भाई, ठीक है, तो इसलिए हम यजुवेंद्र चहल को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 बॉलर हो गए अब, यानी कि बेंगलोर के, और 1 बॉलर हो गया हैदराबाद का, और यहाँ पे ऑलराउंडर बेंगलोर जो कि हमारे पास 5 और यानी कि बॉलर हो जाएंगे 5 और हैदराबाद का जो कि 3 हो जाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएंगे, तो आप इनको माइनस कर सकते हैं बैंगलोर यानी हटा करके भुवनेश्वर कुमार को ले सकते हैं। और यहाँ पे आप बात आते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा क्या होता है, एबी डिविलियर्स को सबने ले रखा है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे एबी डिविलियर्स को सबने ले सकते हैं, 48 रन मारे हैं। बट यहाँ पे अगर आप 2 से ज़्यादा टीम बनाते हैं, यानी कि 1 से ज़्यादा टीम बनाते हैं, तो आप यहाँ पे हर्षल पटेल को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बैंगलोर से हैं भाई। और यहाँ पे बैट्समैन की बात करें तो हैदराबाद में कुछ खास बैट्समैन नहीं है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एबी डिविलियर्स जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे और वार्नर के बाद जो कि वृद्धिमान साहा के, 4 बैट्समैन के बाद जो कि वृद्धिमान साहा भी कुछ खास नहीं है, यानी कि जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे और यहाँ पे वार्नर, ये अगर ये 3 के बाद भाई फिर सारे के सारे विकेट जो कि चटकाना है हर्षल पटेल को ही, क्योंकि कहाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास बैट्समैन बचेंगे नहीं और बॉलर का ही फायदा होने वाला है। तो इस प्रकार से आप जो कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन राशिद यानी कि बेंगलोर से बना दीजिएगा, या तो हर्षल पटेल को, या तो जो कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मैक्सवेल हो गए, वाशिंगटन सुंदर हो गए, या तो और भी जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे यजुवेंद्र चहल, ठीक है, यजुवेंद्र चहल को अगर आप दूसरे टीम में लेते तो बना सकते हैं, क्योंकि कुछ खास आज बॉलिंग ही करने वाले, क्योंकि टीम उतनी खास नहीं है, यानी कि हैदराबाद बॉलिंग खास है, बैटिंग उतनी खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्षल पटेल को हम वाइस कैप्टन बनाते हैं। और जो कि आप बात कर लेते हैं कैप्टन की, कैप्टन जो कि भाई बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है भाई, एबी डिविलियर्स से ज़्यादा जो कि मुझे यानी कि उम्मीद होती है तो भाई जॉनी बेस्टो से, ठीक है, या तो आप मनीष पांडे को या जॉनी बेस्टो को 2 में 1 को बना दीजिए, तो हम यहाँ पे मनीष पांडे को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप बना सकते हैं, या तो आप जॉनी बेस्टो को बना सकते हैं। और किस लोगों ने, यहाँ बता सकता हूँ, 14% यानी कि 14.8% लोगों ने एबी डिविलियर्स को कैप्टन बनाया, और 14% जो कि बेस्टो को, और 7% जो कि बनाया है मनीष पांडे को। और वार्नर को भाई नाम से समझ लीजिए, नाम से मत बनाइए किसी को, जैसे कि परफॉर्मेंस देखें उस प्रकार से बना, डेविड वार्नर को भाई 14% लोगों ने बनाया उम्मीद से कि आज चलने वाले, ठीक है। अगर आप 3 टीम बनाते हैं तो बना सकते हैं, वार्नर को भी भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जो कि जॉनी बेस्टो हो गए भाई, और ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है भाई, मान सकता हूँ ये काफ़ी अच्छा प्लेयर, ये आपको जो कि उम्मीद देगा, आप इसको भी बना सकते हैं। मनीष पांडे जो कि कभी कभी आउट हो जाते हैं, कभी कभी चल जाते हैं, ऐसा नहीं, बट जॉनी बेस्टो अगर आप बनाएंगे तो भाई उम्मीद पे खड़ा होता है बंदा, तो आप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी फर्स्ट टीम क्रिएट हो गई भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहली टीम बनाई थी जो कि कुछ इस प्रकार से बनाई थी, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने पहली टीम बनाई थी, जिसमें हमने यानी कि विकेट कीपर डिविलियर्स और बेस्टो के लिए था, और बैट्समैन विराट कोहली, मनीष पांडे, अब्दुल समद, क्योंकि इस प्रकार से हमने 3 बैट्समैन इसलिए था कि अगर ये तीनों में कोई ना कोई आउट होता है तो भाई हमारे पास चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मनीष पांडे, अब्दुल समद, जॉनी बेस्टो ये नहीं खेलते तो मोहम्मद नबी भी काफ़ी अच्छे प्लेयर ये खेल सकते हैं। और यहाँ पे ऑलराउंडर जो कि हमारे पास मिल जाते हैं, यानी कि बैंगलोर की अगर टीम धड़ाधड़ गई थी, बैट्समैन जाते हैं भाई, तो मैक्सवेल और वाशिंगटन सुंदर को खेलने का अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉलर, बैट्समैन, बैटिंग जो कि बॉलर आप देख सकते हैं, 3 बॉलर हमारे पास हैं, तो हमारी फर्स्ट टीम है। और दूसरी टीम जो कि हमने आपके सामने बनाई, तो इस प्रकार से, और आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हैं नॉलेज के हिसाब से कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। होपफुली सारा कुछ समझ आ गया आपको, तो वीडियोस को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को नया सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।